नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर भाई बहन ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त कर जिला का नाम रोशन किया। जी हां, आपको बताते चले, गया छोटा सा चश्मा के दुकान चलाने वाले मनोज विश्वकर्मा को मिली दोहरी खुशी। एक साथ सुपुत्र मनीष राज ने जहाँ 682 रैंक के साथ नीट क्वालिफाई किया, तो वहीं बेटी सोनाली ने BSc नर्सिंग में एम्स में 714 रैंक लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बच्चे अपने घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर यह सफलता प्राप्त किया है। जहां आज माता पिता का शिकायत रहता है कि मोबाइल के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन या तो मोबाइल चलाने वाले पर निर्भर करता है कि वह इससे अपना भविष्य बनाता है या बिगाड़ता है। आज मनोज विश्वकर्मा और उनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी एक साथ मिली दोहरी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा है कि आज मेरे दोनों बच्चे बिना किसी बड़े संस्थान में पढ़ाई किए ही नीट क्वालिफाई किया। दोनों बच्चों को सामाजिक कार्यों में रुचि रहने के कारण मेडिकल के क्षेत्र में जाने की इच्छा थी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि इन बच्चों को किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नामांकन करा सकते, लेकिन इन दोनों भाई बहन की गहरी लगन के कारण मोबाइल फोन से ऑनलाइन पढ़ाई कर सफलता अर्जित किया है। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और खास खबर। इसको ये श्रेय लेना चाहोगी, और कब तुमको लगा कि नर्सिंग इस सेक्टर में जाना चाहिए? मम्मी पापा को श्रेय देना चाहेंगे, पर नर्सिंग सेक्टर में नहीं जाना है अभी। अभी उसमें अभी लिखाए हैं, लेकिन MBBS में ही अभी करना है। अच्छा, तो MBBS करने का ही प्रयोग? हाँ, मेन टारगेट MBBS में ही है। चिकित्सा क्षेत्र क्यों और भी कुछ सोचा? बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन इसको क्यों आपने लाइक किया? के साथ शिक्षा चिकित्सा को ही मतलब सोचने क्या काम था? लोगों की सेवा लोगों की सेवा करना। मैं ऐसे भी मेडिकल में अभी बहुत मतलब ज़्यादा फी लगता है लोगों को, कम मतलब कम पैसे में इलाज नहीं होता है, तो उसी के चल उसी में सोचे कि थोड़ा कम पैसे में भी लोगों का इलाज हो सके, उसके लिए मेडिकल लाइन चुने हैं। क्या नाम बता दीजिए? सोनाली कुमारी। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय मम्मी पापा और टीचर्स वगैरह जिससे ऑनलाइन पढ़े हैं, हम सबको। अच्छा, कोई टीचर आपको मतलब आप ऑनलाइन कहीं बाहर जाकर आपकी कोई कोचिंग वगैरह नहीं किए हैं? नहीं, बाहर तो नहीं गया, ऑनलाइन ही पढ़े हैं। PWC आप ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं और ऑनलाइन से ही आपने इस सफलता को अर्जित किया है। अरे क्या कहेंगे जो बहुत ऐसे छात्र हैं जो आप भी एक ऑप्शन की तलाश में रहते हैं, तो क्या कहेंगे उन छात्रों के लिए? देखिए, जैसे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, और जो खुद मेहनत करता है मतलब हो ही जाएगा उसको। आगे क्या करना है? आगे वही MBBS करना है। क्या फैकल्टी, किस तरह के डॉक्टर बनना चाहेंगे आप? अभी तो वो तो आगे ही पता चलेगा, अभी तो पूरा पढ़ना रहता है। कुछ तो मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट कुछ तो निशाना लगाए हैं, लक्ष्य किए होंगे कि हमको ये चीज सीखना है। विशेषज्ञता के लिए तो होते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट को मतलब ज़्यादा लाइक करना है। हाँ, मेडिसिन। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मनीष राज। मनीष राज, पापा का क्या नाम हुआ? मनोज कुमार।